मुजफ्फरपुर जिले में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो राज्य में फिर से अपहरण और लूट के मामले शुरू हो जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की। मुंगेर में एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मुख्य बाजार होते हुए किला परिसर में आकर लोगों ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ एसपी को बर्खास्त करने और धारा 302 के तहत जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। जहानाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिले में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान जिले में लगभग 55% मतदान हुआ। मतदान का जो चरण था वो कंप्लीट हुआ जहानाबाद जिले में और 3 विधानसभा क्षेत्रों में सफल रूप से हम लोगों ने मतदान कराया और बिना किसी भी वारदात के, बिना किसी भी घटना के आज पुनः जहानाबाद जिले में विधानसभा चुनाव 2020 संपादित कराया गया। और इस चुनाव में जो वोट का परसेंटेज भी हमारा पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा से बड़ा है, यदि आप इन एवरेज देखेंगे पूरे जिले का तो 55.57% हमारे वोटर्स इस कोरोना काल में भी आए और अपने मतदान का प्रयोग किया। गया जिले में शांतिपूर्ण हुए मतदान प्रक्रिया को लेकर राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जनता को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले की जनता ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में योगदान दिया है। वहीं उन्होंने इस बार राज्य में एनडीए सरकार बनने की संभावना जताई है। बिहार की जनता ने बीते 15 सालों के विकास एवं आत्मनिर्भर बिहार के लिए मतदान किया है। जनता का उत्साह और मतदान प्रतिशत को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारी रही है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में बजरंगबली का मंदिर गिराने का मामला सामने आया। दरअसल दिलीप कुमार ने सदर थाने में आवेदन देकर यह शिकायत की है कि उनकी निजी जमीन पर निर्मित मंदिर को गिराया गया। वहीं इस मामले के बाद पुलिस मंदिर गिराने वाले लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये मंदिर 2018 में स्टार्टिंग की, 2019 में बन के तैयार हो गया। 2019 में बन के तैयार हो गया, उसके बाद इसमें प्राण प्रतिष्ठा देकर पूजा पाठ सब कुछ होने लगा। बाबा बजरंगबली का ध्वजा भी स्थापित हो गया है। उसके बाद 13/10/2020 से लखन पासवान, भोला पासवान और उनका वाइफ, उनका बाल बच्चा सब मिल करके पता नहीं कहा या कि गड्ढा खून करके पानी डाल के मंदिर को गिरा दिया।